एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हर किसी को ये पता होना चाहिए वॉट इज़ पॉलिटिकल साइंस तो आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन मीनिंग और ग्रोथ को समझने वाले हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रश्मि और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस इन टेन मिनट्स तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं टेन मिनट्स में कि पॉलिटिकल साइंस क्या होता है जब भी हम पॉलिटिक्स की स्टडी करते हैं तब हमें इसमें तीन डिफरेंट सब डिविजन देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है पॉलिटिकल थ्योरी दूसरा है पॉलिटिकल फिलोसफी और तीसरा है पॉलिटिकल साइंस और इन तीनों टर्म्स का यूज हमें अक्सर पॉलिटिक्स की स्टडी करते समय दिखाई देता है जो अक्सर एक दूसरे के सिनोनिम्स के रूप में यूज किए जाते रहे हैं पर इन तीनों टर्म्स एज अ कॉन्सेप्ट डिफरेंट है तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं तो इसमें सबसे पहला टर्म आता है पॉलिटिकल थ्योरी मतलब राजनीतिक सिद्धांत अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी की बात करूं, तो पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन करने का काम करता है जिसमें उन आइडियाज़ और डॉक्ट्रिन की एनालिटिकल स्टडी शामिल होती है जो पॉलिटिकल थाट का सेंट्रल थीम होती है और इस प्रकार पॉलिटिकल थ्योरी इथिकल और नॉर्मेटिक क्वेश्चन का आंसर हमारे सामने रखती है फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल थ्योरी हमें यह बताता है कि क्यों हमें स्टेट को ओबे करना चाहिए या रिवॉर्ड और रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाना चाहिए या इंडिविजुअल फ्रीडम का लिमिटेशन क्या है या उसे कितनी स्वतंत्रता देनी चाहिए या फिर स्टेट को कितना पावर देना चाहिए तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर हमें पॉलिटिकल थ्योरी देती है और वहीं पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात की जाए तो पॉलिटिकल फिलॉसफी फिलोसफिकल ट्रेडिशन का एक पार्ट है जिसके अंदर उन सारे एब्स्ट्रैक्ट थॉट की स्टडी की जाती है जो पॉलिटिक्स लॉ और सोसाइटी से डील करता है जिसका प्राइमरी कंसर्न पॉलिटिक्स के मॉरल और इथिकल डायमेंशन से होता है जो इस बात से भी डील करता है कि क्या गुड है या क्या आइडल है और इस आधार पर पॉलिटिकल फिलॉसफी डिफरेंट एक्सप्लेनेशन हमें प्रोवाइड करता है अब हमारा अगला टर्म आता है पॉलिटिकल साइंस मतलब राजनीतिक विज्ञान अगर पॉलिटिकल साइंस की बात की जाए तो इस टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट हमें ट्वेंटी सेंचुरी में देखने को मिलता है जैसा कि हम जानते हैं साइंस में ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट के थ्रू नॉलेज एक्वायर किया जाता है उसी प्रकार पॉलिटिकल साइंस में इम्पेरिकल और साइंटिफिक मेथड का यूज़ कर गवर्नमेंट और अदर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को एनालाइज और एक्सप्लेन किया जाता है या हम इसे स्टेट और गवर्नमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं तो इस तरह हमने देखा कि पॉलिटिक्स की स्टडी करते समय हम इसे डिफरेंट टर्म में इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं तो इस तरह हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट को समझा लेकिन इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस क्या है इसकी मीनिंग इसकी इसका डेफिनेशन और इसकी ग्रोथ को डिटेल में समझेंगे पॉलिटिकल साइंस क्या है उसे समझने से पहले वर्ड पॉलिटिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है जिस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसे आप आई बटन पर जाकर भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि पॉलिटिकल साइंस टर्मिनोलॉजी का डेवलपमेंट हमें ट्वेंटी सेंचुरी में देखने को मिलता है लेकिन हम इसकी ग्रोथ को एशियन टाइम से समझने की कोशिश करेंगे तो ऐशियन टाइम में पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के लिए पॉलिटिक्स वर्ड का यूज़ होता था जो कि ग्रीक वर्ड पॉलिस से बना है जिसका मतलब था सिटी स्टेट और इस तरह पॉलिटिक्स की स्टडी हमें फिफ्थ सेंचुरी बीसी से प्लेटो और एरिस्टोटल की राइटिंग में दिखाई देती है और वहीं मेडिवल एज में पॉलिटिक्स की स्टडी को ध्यान से देखा जाए तो वो काफ़ी हद तक रिलीजियस हो चुका था क्योंकि मेडिवल एज में चर्च एज अ पॉलिटिकल पावर एग्जिस्ट कर रहा था वहीं अगर हम रेनेसांस एज को देखें तो फिफ्टींथ सेंचुरी के बाद मैक्या जैसे थिंकर आते हैं और इन्होंने ही मॉडर्न पॉलिटिक्स का फाउंडेशन रखा जिसमें इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशनल और सेकुलर परस्पेक्टिव का यूज़ पॉलिटिक्स की स्टडी के लिए किया गया तो इस तरह हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स का इंटरप्रटेशन डिफरेंट टाइम में डिफरेंट फॉर्म में दिखाई देता है लेकिन नाइनटीन सेंचुरी से पहले जो पॉलिटिक्स की स्टडी हो रही थी वो हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशनल फिलोसफिकल थी जहाँ हम ये साफ साफ देख पा रहे थे कि पॉलिटिक्स की स्टडी हिस्ट्री इकोनॉमी फ़िलोसफी लॉ जैसे अदर डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेटेड थी लेकिन लेट नाइन्टीन सेंचुरी के बाद पॉलिटिक्स की स्टडी सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में एमर्ज होती है जिसे पॉलिटिकल साइंस के रूप में रेफर किया जाता है और इस तरह जो लंबे समय से राजनीति का जो अध्ययन था वो उसके लिए पॉलिटिक्स का टर्म चला आ रहा था वो मॉडर्न टाइम में पॉलिटिकल साइंस का रूप ले लेता है क्योंकि मॉडर्न टाइम में स्टेट की एक्टिविटी और पॉलिटिकल इश्यूज को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स भी बढ़ गए थे तो ऐसे में पॉलिटिक्स टर्म ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं था इस डिसिप्लिन को डिफ़ाइन करने के लिए इसलिए पॉलिटिक्स की स्टडी करने के लिए इन डिसिप्लिन का नाम पॉलिटिकल साइंस रख दिया गया और इस तरह पॉलिटिकल साइंस एक सेपरेट डिसिप्लिन के रूप में एमर्ज होता है जैसा कि मैंने पहले ही बताया है पॉलिटिकल साइंस की एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन बनने से पहले पॉलिटिकल साइंस की स्टडी फिलॉसफी लॉ इकोनॉमिक्स हिस्ट्री जैसे अदर एकेडमिक डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेटेड थी लेकिन 1880 एटी पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट का वो साल था जब जॉन वी बर्जेस ने पॉलिटिकल साइंस को एज अन एटोनोमस डिसिप्लिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इस्टैब्लिश किया और इस तरह बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में पॉलिटिकल साइंस एज अन एकेडमिक डिसिप्लिन इस्टैब्लिश होता है लेकिन यहाँ पर यह बात भी ध्यान देने वाली है कि पॉलिटिकल साइंस का एमरजेंस एक सेपरेट सब्जेक्ट के रूप में तो हो जाता है पर यहाँ पे जो स्टडी का अप्रोच होता है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक लीगल और इंस्टीट्यूशनल ही देखने को मिलता है मतलब जो स्टडी का दायरा था वो स्टेट के इंस्टीट्यूशन स्टेट के ऑर्गन और कॉन्स्टिट्यूशन तक ही सीमित था अब पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट में दूसरा इंपॉर्टेंट इवेंट हमें तब देखने को मिलता है जब 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है जिसके बाद जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और प्रोसेस के संबंध में जितने भी फैक्ट या तथ्य थे उनको कलेक्ट करने की बात की गई थी मतलब फैक्ट कलेक्शन पर फोकस करते हुए पॉलिटिकल साइंस की स्टडी में साइंटिफिक मेथड को अडॉप्ट करने की बात यहाँ से शुरू होती है फिर हम देखते हैं कि 1906 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अंडर ही पॉलिटिकल साइंस रिव्यू का पब्लिकेशन होता है जिसके आर्टिकल्स में कई ऐसे आइडियाज़ देखने को मिलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस के डेवलपमेंट का आधार रखते हैं और इसी दौरान इसके कई स्कॉलर्स जैसे फ्रैंक गुडनाव जेम्स ब्राइस लावेल वुड्रो विल्सन इन सब के आइडियाज़ हमें प्रोग्रेसिव इन इन सब के जो आइडियाज़ होते हैं उनमें हमें प्रोग्रेसिव अप्रोच देखने को मिलता है जहाँ फैक्ट की बात की जाती है इसके बाद आर्थर बैंटले चार्ल्स मेरियम हेरोल्ड लासवेल जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट की राइटिंग्स पब्लिश होती है जिनकी राइटिंग्स में पॉलिटिक्स के इनफॉर्मल प्रोसेस पर फोकस किया जाता है जिसमें पावर अथॉरिटी पॉलिटिकल इलीड जैसे कॉन्सेप्ट की स्टडी की जाती है और यहीं से पॉलिटिकल बिहेवरिज्म का फाउंडेशन भी हमें देखने को मिलता है तो इस तरह हमने देखा डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा जो ट्वेंटी सेंचुरी में डिफरेंट राइटिंग्स पब्लिश होती हैं वो कहीं ना कहीं आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिहेवियर पॉलिटिक्स के रूप में डेवलप होती हैं या बिहेवियर रेवोल्यूशन का कारण बनती हैं जहाँ पर पॉलिटिकल साइंस को प्योर नॉलेज के रूप में डेवलप करने की बात की जाती है लेकिन हम देखते हैं कि इस बिहेवियर रेवोल्यूशन की वजह से जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे वो केवल थ्योरी बिल्डिंग पर फोकस कर रहे थे जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी वो उसे डील नहीं कर पा रहे थे और इस तरह 1969 के अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में डेविड इस्टन ने बिहेवियलिज्म को रिजेक्ट करते हुए पोस्ट बिहेवियलिज्म की नींव रख दी जहाँ सारे ट्रेडिशनल मेथड को क्रिटिसाइज़ किया गया क्योंकि वे सारी पद्धतियाँ ह्यूमन के पॉलिटिकल बिहेवियर को एग्जामिन करने में फ़ेल हो गई थी और इस तरह पोस्ट बिहेवियज़म कि में वैल्यूज़ पर मूल्यों पर अप्लाइड नॉलेज पर फोकस किया क्या तो इस तरह हमने एक ब्रीफ़ हिस्ट्री देखी पॉलिटिकल साइंस के एज़ अ डिसिप्लिन डेवलप होने की तो हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकल साइंस का ग्रोथ होता है और कैसे एक सेपरेट एकेडमिक डिसिप्लिन के रूप में पॉलिटिकल साइंस का इवोल्यूशन होता है अब हम पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डेफिनेशंस को देखेंगे जब भी पॉलिटिकल साइंस की डेफिनेशन की बात आती है तो हमें दो तरह के डेफिनेशन देखने को मिलते हैं जिसमें पहला है ट्रेडिशनल डेफिनेशन और दूसरा है मॉडर्न डेफिनेशन जैसा कि हम जानते हैं पॉलिटिकल साइंस की ट्रेडिशनल स्टडी स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन तक ही सीमित थी इसलिए ट्रेडिशनल डेफिनेशन में इन्हीं सभी का डोमिनेंस दिखाई देता है और इसमें हमें तीन कैटेगरी देखने को मिलती है जिसमें पॉलिटिकल साइंस को पहला एज अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन किया जाता है वहीं दूसरा पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में डिफाइन किया जाता है तो कहीं पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ के रूप में डिफाइन किया जाता है तो आइए इसे एक एक करके देखते हैं ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर पहला आता है जिसमें पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें हमें ब्लशली गेटल, गार्नर जैसे थिंकर देखने को मिलते हैं जो पॉलिटिकल साइंस को स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफ़ाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन और ये थिंकर्स को याद रखना होगा क्योंकि जनरली एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ऐसा थिंकर है जो पॉलिटिकल साइंस को एज़ अ स्टडी ऑफ स्टेट के रूप में डिफ़ाइन करता है तो इसी तरह आपको सारे कैटेगरीज़ को याद रखने होंगे वहीं पॉलिटिकल साइंस के ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर सीले और लिकॉक जैसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ गवर्नमेंट के रूप में भी डिफाइन करते हैं वहीं पॉल जेनेट गिल क्राइस्ट जैसे थिंकर पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट बोथ दोनों के रूप में डिफाइन करते हैं अब हम पॉलिटिकल साइंस की मॉडर्न डेफिनेशन को देखेंगे तो जैसा कि हम जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम पॉलिटिकल साइंस में बिहेवियर रिवोल्यूशन को देखते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस के मॉडर्न अप्रोच को बहुत ही ब्रॉड कर दिया था और इसने पॉलिटिकल साइंस में इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस को भी महत्व दिया और इस समय में कई ऐसे पॉलिटिकल साइंटिस्ट देखने को मिलते हैं जैसे डेविड स्टन लासवेल रॉबर्ट जहल कैथलिन जो कि पॉलिटिक्स के इनफॉर्मल प्रोसेस की स्टडी को महत्व देते हैं और उस आधार पे पॉलिटिकल साइंस को डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल डेविड स्टन पॉलिटिकल साइंस को एज अ अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ के रूप में डिफाइन करते हैं वहीं लॉस जो हैं वो पॉलिटिकल साइंस को एज अ स्टडी ऑफ पॉलिटिक शेयर पॉलिटिकल पावर के रूप में डिफ़ाइन करते हैं इस तरह आज के वीडियो में हमने पॉलिटिकल थ्योरी फिलोसफी को ब्रीफ में समझा साथ ही साथ हमने पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग को समझा इसका ग्रोथ को समझा और पॉलिटिकल साइंस के डिफरेंट डेफिनेशंस को भी देखा आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा टिल देन बाय एंड कीप्लेनिंग